रोमियो और जूलियट की कहानी शुरू हुई इटली के वेरोना शहर में। जहां दो बहुत ही सामर्थी परिवार रहते थे। ये परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ये परिवार जो बात बात पर अपनी तलवारें निकाल देते थे। ये थे मॉन्टाग्यूज और कैपुलेट्स। रुक जाओ, राजा एस्केलस पधार रहे हैं। बहुत हो गया, तुमने मेरे शहर की शांति भंग की है और नागरिकों का जीवन खतरे में डाला है। मैं अगर एक और लड़ाई झगड़े की बात सुनूंगा मॉन्टाग्यूज और कैपुलेट्स के बीच, तो मैं अपराधी को आजीवन कारावास दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। महाराज, आप परेशान लग रहे हो। अल्बर्टो, मैं इस परिवार के नफरत के बारे में चिंतित हूँ। पता नहीं आने वाली पीढ़ी पर इस दुश्मनी का क्या असर पड़ेगा। क्या मॉन्टाग्यूज का एक बेटा नहीं है? बताओ अल्बर्टो। हाँ, रोमियो महाराज। और कैपुलेट्स का? उनकी एक बेटी है, उसका नाम है जूलियट। रोमियो और जूलियट। रोमियो, रोमियो, तो यहाँ हो तुम। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्या अभी भी सुबह है? हाँ, बेशक है। अक्सर सुबह का समय इतना लंबा ही होता है। मेरे ख्याल से उदासी की घड़ियां लंबी होती हैं। उदासी? तुम उदास क्यों हो? क्या तुम प्रेम कविताएं लिख रहे हो? तुम्हें प्रेम हो गया है? किसके साथ? मुझे यकीन है उसका कोई नाम होगा। रोजलीन, पर वो मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी और से शादी करने की कसम खाई है, और ये उसकी गलती नहीं है। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो तुमसे प्रेम करे। यदि रोजालीन तुम्हारे प्रेम को नहीं समझती, फिर तो उसका नुकसान है मेरे भाई। तुम्हें उसको भुलाना होगा। कैसे बिनवोलियो, बताओ मुझे, कोई सूचना कैसे भूल सकता है? फ्रायर कहाँ है? प्रार्थना कक्ष में। प्रभु, मैं वेरोना की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मॉन्टाग्यूज और कैपुलेट्स की दुश्मनी ने इस पूरे शहर को निगल लिया है। उनकी मदद करो कि वो अपनी नफरत से हटकर देखें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कितनी सुहानी सुबह है ना? इस प्रेमी के लिए नहीं है। चलो भी, दिन तो जवान है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। चलो आगे बढ़ो, समय सभी जख्म भर देता है। अगर तुम चाहो तो समय के साथ चलना सीखो। दौलत, मान सम्मान, दर्जा, परिवार का इतिहास और रुतबा, ये सब कैपुलेट्स में है और वो हमेशा इसकी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। पीटर, ये रही आज के नृत्य भोज के लिए निमंत्रण भेजने की सूची, ये किसी को दे दो। मैं चाहता हूँ कि उनमें से हर एक को विशेष निमंत्रण मिले। काउंट पेरिस भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो जूलियट से शादी करने के लिए इच्छुक हो। हमारे परिवार का नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। कैसे हो दोस्तों? एक सुहाना दिन है, है ना? तुम अभी भी रोजालिन के बारे में सोच रहे हो, है ना? सुनो रोमियो, प्रेम इस धरती पर सबसे सुंदर भावना है। अगर तुम्हें दुखी कर देता है तो खुद से पूछो, क्या ये सचमुच प्रेम है? जनाब, जनाब, ओह, मैंने खुद को एक झंझट में डाल लिया है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं जनाब? ये मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लिविया, ल्यूसियो, टिबल्ट, रोजालिन, ये कौन सी सूची है? कैपुलेट्स के नृत्य भोज के लिए मेहमानों की सूची है। यदि तुम भी मॉन्टाग्यूज में से एक नहीं हो तो तुम्हें भी निमंत्रण है। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक मॉन्टाग्यू नहीं हो। मैं उस घर में कदम नहीं रखने वाला हूँ। और हमें रोमियो के लिए जाना चाहिए ताकि वो याद रख सके कि हम कैपुलेट्स की पार्टी में जबरदस्ती कैसे घुसे थे। वैसे भी हम मुखौटे पहने होंगे। ठीक है, मैं इसमें शामिल हूँ और तुम्हें ना कहने की इजाजत नहीं है। ठीक है, हम जल्दी ही लौट आएंगे और वहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। वेरोना के सभ्रांत सज्जनों,
और देवियों, हमारे इस विनम्र नृत्य भोज में आपका स्वागत है। कैपुलेट्स एक दावत दे सकते हैं। रोमियो, जाओ अपने लिए एक डांस पार्टनर ढूंढ लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। हम थोड़ा वाइन का लुफ्त उठाएंगे। आओ मरकुशियो। रुको, मैं नहीं जाना चाहता। काउंट पेरिस, मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी से मिले, जूलियट। आप तो वेरेना की सबसे खूबसूरत महिला हैं। क्या हम साथ में एक नृत्य कर सकते हैं? मैं जल्द ही वेरोना से जाने वाला हूँ, पर उससे पहले विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। आपका क्या ख्याल है? पहले मैं सच्ची प्रेम को ढूंढने का प्रयास करना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम, क्या वो मौजूद भी है? केवल उनके लिए जो इस पर विश्वास करते हैं। मेरे दिल ने या तो धड़कना बंद कर दिया है या धड़कना भूल गया है। यदि ये सच होता तो तुम मर नहीं गए होते। कोई इंसान इस तरह सुंदरता को निहार कर जिंदा नहीं रह सकता। क्या मुझे सौभाग्य मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। ये कौन है? कौन हो तुम, फिर से कहो। मैं एक तरसता हुआ तीर्थयात्री हूँ और तुम मेरा पवित्र मंदिर। तुम्हारा चुंबन मुझे मेरे पापों से निजात दिला देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं इन्हें दिल से कह रहा हूँ। और अब तुमने मुझे अपने सारे पाप दे दिए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने पाप वापस लेता हूँ। तुम्हारा प्रेम किताबी है। आपकी माँ आपको ढूंढ रही है। जूलियट, लेडी कैपुलेट आपको ढूंढ रही है। जूलियट बहुत सुंदर नाम है, पर लेडी कैपुलेट उसे क्यों बुला रही है? क्योंकि वो उनकी माँ है। मुझे प्रेम हो गया है, मुझे कैपुलेट से प्रेम हो गया है। रोमियो, एक मॉन्टेग्यू का यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? तुमने अपना मुखौटा उतार दिया, अब हम मुसीबत में फंस गए हैं। चलो यहाँ से निकलो। लेकिन एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। नर्स, जिसके साथ मैं नाच रही थी उसके बारे में पता लगाओ। यदि वो पहले से ही विवाहित है तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। मेरा दिल क्यों तरस रहा है उसकी तरफ दौड़े जाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि यही सच्चा प्यार है? मार्किन, टिबल्ट ने मुझे बताया कि वो अभद्र लड़का कौन था। उसका नाम है रोमियो और वो एक मॉन्टेग्यू है। नहीं, मेरा एकमात्र प्रेम मेरी एकमात्र नफरत से उभरा। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपनी धड़कन महसूस नहीं कर सकती। मैं कैसे करूंगी? मेरा दिल तो इस घर से चला गया है। तुम उस कैपुलेट लड़की के साथ क्यों नाच रहे थे? तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं पहले से ही मर चुका हूँ, मुझे जानना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी तकदीर से बात करने के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? वो एक पागल आदमी है, एक प्रेमी है, वो जानता है वो क्या कर रहा है। चलो चलते हैं। ओ रोमियो, मेरे दिल में टीस उठ रही है। तुम एक मॉन्टेग्यू हो। नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं उसे कोई और नाम दे दें तो वो उतनी ही मधुर सुगंध देगा। पर क्या हो यदि तुम अलग ढंग से सोचो? तुम्हें पता नहीं है मैं एक कैपुलेट हूँ, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। ओ रोमियो, बस एक बार मेरा प्रेम स्वीकार कर लो और मैं कैपुलेट कहलाना बंद कर दूंगी। मैं कुछ भी हो जाऊंगी जो तुम चाहोगे। तुम क्यों चले गए? हमने एक दूसरे से प्यार किया है और उसी के लिए तरस रहे हैं। मैं जरूर चला गया था, पर मैं खुद को वापस आने से रोक न सका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? वो तुम्हें मार डालेंगे।
अपनी जान को अपना प्रेम स्वीकार करते हुए सुनकर कैसे कोई फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? क्या तुम जीना नहीं चाहते? कृपया चले जाओ, वो तुम्हें देख लेंगे। मेरे पास रात का अच्छा सा आवरण है जो मुझे उनकी नजरों से छुपा सकता है। बेहतर होगा मेरी जिंदगी उनकी नफरत से खत्म हो जाए बजाय कि मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जिंदा रहूं। तुम मुझसे प्रेम करते हो? जूलियट, मैं चांद की कसम खाकर कहता हूँ। चांद तो बदलता है, उसकी कसम मत खाओ। तुम क्या चाहती हो मैं किसकी कसम खाऊं? अपने खुद के सच्चे और सुंदर व्यक्तित्व की। कहो तुम मुझसे प्रेम करते हो रोमियो, और मैं विश्वास कर लूंगी। हर शब्द जो तुम कहोगे मैं उस पर विश्वास करूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे परिवार कट्टर दुश्मन है, और मैंने कभी भी वो शांति अनुभव नहीं की थी। मैंने तब की जब मैंने तुम्हें देखा था। यही सच है रोमियो, यहाँ ही मेरे सपने मेरे जिंदा होने का जश्न मनाते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। जूलियट, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, खुद प्रेम के मायने के हद से परे। मालकिन, तुम्हें जाना होगा। मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा जिसके लिए मैं आया था, तुम्हारे प्रेम का वादा। मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जूलियट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रात और ये सब एक सपना है। मैं तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहता, मैं नहीं खो सकता। यदि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सम्मानजनक है और उसका उद्देश्य विवाह रहा है, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रहूंगी। बस तुम ये बताओ कि कब और कहां विवाह समारोह संपन्न करोगे, और मैं वहां पर जरूर पहुंच जाऊंगी, मैं वादा करती हूं। तो फिर कल 9 बजे फ्रायर लॉरेंस की कोठरी में। मैं जरूर आऊंगी। अब जाओ, जल्दी करो। शुभ रात्रि मेरी प्रिय। शुभ रात्रि मेरे रोमियो। क्या तुम शादी करना चाहते हो आज, वो भी कैपलेट की इकलौती बेटी से? जी हाँ। क्या ये तुम्हारे लिए खेल है? तुम जानते हो तुम क्या जोखिम उठा रहे हो। प्रेम क्या है बिना उसके खतरों के? मैं आपसे या किसी और से इसे समझने की अपेक्षा नहीं करता। अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो उसे अपना बनाने के लिए मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों एक होंगे। पागल प्रेमी। उस दोपहर रोमियो और जूलियट का प्रेम रहस्यमय तरीके से मनाया गया। अब वो पति पत्नी थे। और उसी दोपहर को भाग्य अपनी दिशा बदलने वाला था। मर्क्यूशियो, ये देखो, टिबल्ट ने रोमियो के लिए एक संदेश भेजा है। वो रोमियो को तलवारबाजी की चुनौती दे रहा है, पर रोमियो एक प्रेमी है, वो लड़ाकू नहीं है। जानते हो उन्होंने टिबल्ट को नाम दिया है प्रिंस ऑफ कैट्स, उसका एक ही वार मारने के लिए काफी है। अब क्या करें? खैर, जब टिबल्ट वहाँ आएगा वो मुझे पाएगा, रोमियो को नहीं। रोमियो बाहर आओ। तुम्हें क्या लगा तुम कैपुलेट्स के घर घुस जाओगे और मैं पता भी नहीं चलेगा? बेशक नहीं, सिर्फ एक ही चीज जो शायद कैपुलेट्स को नागवार गुजरी वो थी उनकी भतीजी और उनका सम्मान। मर्क्यूशियो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मेरी परीक्षा मत लो। क्यों, तुम्हें डर लगता है कि तुम असफल हो जाओगे? चलो बेटे बल्ट, दोनों मर्द आमने सामने। तुमने बहुत ज्यादती की। लड़ाई बंद करो। याद करो राजकुमार ने क्या कहा था, तुम दोनों आजीवन कारावास में डाल दिए जाओगे। रुक जाओ मर्क्यूशियो, रुक जाओ। नहीं, ये बात खत्म नहीं हुई रोमियो, मैं वापस आऊंगा। नहीं मर्क्यूशियो, नहीं। मेरी बात सुनो, उनसे अलग बनो, नफरत को हावी ना होने दो। अलविदा मेरे दोस्त। नहीं, नहीं। मैं बोलियो, उसके साथ रहो। कुछ भी बेवकूफी मत करना रोमियो। रुको,
रोमियो, ये ने क्या किया? वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। ओह, ये मैंने क्या किया? खामोश। बेनवोलियो, मुझे बताओ क्या हुआ था। सही सही बताना। टिबल्ट आया था रोमियो को ढूंढते हुए। वो बहुत गुस्से में था और वहाँ उसकी लड़ाई मरकुशियों से हुई। जब रोमियो वहाँ आया तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर टिबल्ट अपनी तलवार निकाली और मरकुशियो को मार डाला। मरकुशियो रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त था। फिर रोमियो की लड़ाई टिबल्ट के साथ हुई। इस लड़ाई में टिबल्ट मारा गया। टिबल्ट ने मरकुशियो को मारा और रोमियो ने टिबल्ट को मारा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि रोमियो को वोरोना से निष्कासित किया जाए। पर केवल निष्कासन, एक और भी शब्द नहीं। रोमियो को तुरंत जाना होगा और यदि वो वोरोना में देखा जाएगा तो ये उसका अंत होगा। मेरी मालकिन का पति कहाँ है? मेरी जूलियट कैसी है? वो रोती है, बस रोती है। ये मैंने क्या किया? मैंने उसकी आंखों में आंसू ले आए। मैंने उसे ठेस पहुंचाई है। मुझे नहीं जीना चाहिए। आपकी पत्नी आभारी है कि उसका रोमियो जीवित है और ये तुम उसे छीन लेना चाहते हो? फिर वो कैसे जी पाएगी? रोमियो, ठीक से सोचो। कल सुबह मंटुआ के लिए निकल जाओ। मैं वहाँ तुम्हारे ठहरने का इंतजाम करूँगा। तुम्हें हर चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हें जूलियट और वोरोना के बारे में पत्र भेजूंगा। सब ठीक हो जाएगा। जाओ और जाने से पहले अपनी पत्नी से मिल लो। अभी सुबह नहीं हुई है मेरे पति देव, ये रात है। फिर से सो जाओ। नहीं मेरी प्रिय, मैं जाऊंगा तो जीऊंगा और रुकूंगा तो मर जाऊंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और तुम जानती हो क्या, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चाहे मौत भी मुझे लेने आए, फिर भी मैं यहीं पर रुकूंगा। यही तो मेरी जूलियट की इच्छा है ना? नहीं, ओ नहीं, नहीं। सुबह हो गई है, तुम्हें जाना होगा। पर मैं जाना नहीं चाहता। मालकिन, आपकी माँ आ रही है। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं तुमसे दोबारा नहीं मिला तो मेरी सांस रुक जाएगी। अलविदा मेरी प्रिय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूँ? ये तुम्हारा प्रेम है जिस वजह से तुम ऐसा सोचती हो। वादा करो तुम उदासी को खुद पर हावी नहीं होने दोगी। मैं मैंटुआ में हर दिन तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मुझे हर दिन संदेश भेजना। मैं तुम्हें हर क्षण संदेश भेजूंगा अगर मैं कर सका। जब हम दोबारा मिलेंगे तो कभी जुदा नहीं होंगे। पेरिस, मेरे पास खुशखबरी है। इस बृहस्पतिवार को मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करवाना चाहता हूँ। मैं जूलियट से प्रेम करता हूँ। मैंने बहुत इंतजार किया है, पर क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी? उसकी मंजूरी के लिए मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये उत्तम तरीका है उसे टिबल्ट के मृत्यु से बाहर निकालने का। अगर यही बात है तो फिर काश कि बृहस्पतिवार कल ही हो जाता। नहीं, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। हर एक भोज पर, हर एक सम्मेलन में, हर दिन, हर रात मैंने केवल और केवल तुम्हारे लिए अच्छा वर चुनने के बारे में सोचा है। और जब मुझे एक अच्छा काउंट मिल गया तो इस तरह तुम मुझे उसका सिला दे रही हो। बस बहुत हो गया। अब तुम मेरी बात सुनोगी बेटी। तुम बृहस्पतिवार को उससे शादी कर रही हो। अगर तुम काउंट को अस्वीकार करने की जुर्रत करोगी तो फिर ये सोच लो कि तुम मेरे लिए मर चुकी होगी। नहीं पिताजी, कृपया। माँ, माँ, मेरी बात सुनिए। नर्स, मैं क्या करूं? मेरा पहले से ही एक पति है। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मुझे मेरा रोमियो वापस चाहिए। पर वो निष्कासित है। उस पति का क्या फायदा जो अपनी पत्नी के पास न रह सके। तुम्हें काउंट से शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम अपने दिल से कह रही हो? और जान से ही मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जाओ पिताजी से कहो कि मैं दोषी महसूस कर रही हूँ कि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। मैं आज फ्रायर के आगे स्वीकार करूँगी। मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तुम सही काम करोगी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ मेरी बच्ची। क्या सचमुच, क्या सच में कोई समझता है? मेरा प्रेम निष्कासित है और मुझे किसी और व्यक्ति से शादी करने पे मजबूर किया जा रहा है।
मेरा हृदय अपना शरीर छोड़ देना चाहता है। ये रोमियो के बिना धड़कने से इनकार करता है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मृत्यु बेहतर होगी अपने प्रेम के बिना जीने से। तुम मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ती। तुम और रोमियो मुझे बहुत प्रिय हो। मैं अपने बच्चों को पीड़ा में नहीं देख सकता। एक रास्ता है, पर इसमें बहुत ज्यादा जोखिम शामिल है। मैं तुम्हें एक जहर दूंगा जो निकाला गया है एक बहुत ही दुर्लभ फूल से। ये एक दिन के लिए तुम्हारी नाड़ी रोक देगा। ये सोचते हुए कि तुम मर गई हो, तुम्हारा परिवार तुम्हें कब्रगाह में दफना देगा। मैं फिर रोमियो को एक खत भेजूंगा। यदि सब कुछ मेरे योजना के अनुसार चलता है तो तुम अपनी आंखें खोलोगी और तुम्हें रोमियो दिखाई देगा। तुम दोनों अपनी खुद की जिंदगी शुरू कर सकते हो। यदि तुम्हारा रोमियो समय पर नहीं पहुंचता तो ये जान लो कि तुम खुद को मुर्दों के बीच पाओगी। यदि रोमियो से दोबारा मिलने का मृत्यु ही एकमात्र जरिया है तो मैं तैयार हूँ। परसों तुम्हारी शादी का दिन है। मैं फ्रायर जॉन को आज अपना संदेश लेकर रोमियो के पास भेजूंगा। ये एक लंबी यात्रा है। कल रात अपनी नर्स को बाहर भेज देना और इसे पी लेना। ये तुरंत असर करेगा। अलविदा मेरी बच्ची, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। मैं क्षमा चाहती हूँ पिताजी, और मैं काउंट पेरिस से शादी करने के लिए हामी भरती हूँ। ओह मेरी बेटी, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मुझे खुश कर दिया। जूलियट, अपनी शादी के दिन तुम इतना क्यों सो रही हो? चलो उठो बच्ची, जागो। जूलियट, जूलियट, मालकिन, मेरी बच्ची, इसकी नाड़ी क्यों बंद है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची नहीं। बेनवोलियो, तुम क्या खबर लाए हो? मेरी प्रिय कैसी है? हमेशा की तरह सुंदर? बेशक। बेनवोलियो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मैं क्या कहूँ? हमेशा की तरह सुंदर, स्वर्ग हमेशा ईर्ष्या करते थे, वो उसे वापस ले गए। तुम्हारी जूलियट मर गई। ये एक झूठ है। काश ये होता। मैं अपने पूरे दिलो जान से कामना करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। नहीं नहीं, मेरी आत्मा ने मुझे धोखा दे दिया। उसका हृदय रुक गया और मेरा अभी भी धड़क रहा है। नहीं रोमियो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। क्या ये सच में उतना प्रभावी है? उससे भी ज्यादा। फ्रायर जॉन, मुझे माफ करना, मैं रास्ते में ही बीमार पड़ गया। मैं रोमियो के समय पर खत नहीं पहुंचा पाया। ओह नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो मॉन्टेग्यू? तुम्हें इस नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं एक बड़ा इंसान हूँ और अपने प्यार से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे। एक कैपलेट कब्र के नजदीक आने की जुर्रत कैसे की तुमने? मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ बस खुद को मारने के लिए। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़ रहे हैं, मुझे किसी को बुलाना चाहिए। शांति से सो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि जिसने तुम्हें मारा है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मेरी प्रेम, मेरी जान, तुम अब भी इतनी सुंदर कैसे हो? मृत्यु तुम्हें ले जा सकती है लेकिन तुम्हारी सुंदरता को नहीं ले जा सकती। मुझे तुम अपना अंतिम आलिंगन करने दो। मैं अनंत काल में अपने प्रेम से मिलने जा रहा हूँ। क्या कोई मरने से पहले इतना खुश हो सकता है जितना मैं हूँ? याद रखना जो मैंने कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कभी जुदा नहीं होंगे।
ये पूरी धरती का सबसे दिव्य जहर है क्योंकि ये हमें दोबारा मिलाएगा। रोमियो, क्या पहले ही स्वर्ग आ गया है? मुझे घंटों पहले ही ये जहर पी लेना चाहिए था। क्या जहर? रोमियो, नहीं, ये तुमने क्या किया? जूलियट, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नहीं रोमियो, नहीं मेरे रोमियो, तुम्हारे पास आने के लिए मेरे लिए एक बूंद भी नहीं बची, पर यकीनन ये अभी भी तुम्हारे होठों पर तैर रहा है। मेरे लिए रुको मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ इस अंतिम सांसारिक चुंबन के साथ। ओह, ये जहर काफी नहीं है। आज की सुबह एक अजीब शांति लेकर आई है वरुणा के लिए, वो जो लिपटी है उदासी में, क्योंकि दो आत्माओं ने पूरे शहर को विनम्र कर दिया है अपने प्रेम की पवित्रता और मासूमियत से। आज चांद अपना चेहरा देखने से शर्माएगा, आज रात सितारे नहीं टिमटिमाएंगे, अब और ऐसे उदासी भरे ऐलान नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी रोमियो और जूलियट जैसी दुख भरी कहानी नहीं होगी, कभी नहीं, दोबारा कभी भी नहीं।